माइलेज प्रॉब्लम है इसमें, इतना काम कर दे इसमें। एक्टिवा और बाकी स्कूटर्स में माइलेज का बहुत प्रॉब्लम आता है और हम माइलेज के लिए न जाने क्या क्या कर लेते हैं, पर क्या सही है? मैं हूँ ऋषि, इंदौर मैकेनिक्स, और मैं आपको बताऊंगा माइलेज बेस्ट अचीव कैसे करना है। प्रॉपर माइलेज सेटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी गाड़ी मेंटेन रहे, और अगर मेंटेन है तो उसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि एयर फिल्टर विद इन शेड्यूल्ड रेंज रहे, और सेकंड पॉइंट है इंजन ऑयल रेकमेंडेड वाला ही यूज़ होना चाहिए इसमें, थर्ड है टायर प्रेशर जितना कंपनी ने रेकमेंड किया है उतना ही रखें, और फोर्थ है व्हील का रोटेशन फ्री रहे, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद जब हम ब्रेक रिलीज कर रहे हैं तब वो व्हील वापस फ्री हो जाना चाहिए। फिफ्थ है स्पार्क प्लग जो रेकमेंडेड है वही यूज़ करें, और विद इन शेड्यूल्ड रेंज में रहना चाहिए, यानी कि 8000 से 10000 के अंदर में स्पार्क प्लग चेंज होना चाहिए, तो अपना स्पार्क प्लग विद इन शेड्यूल्ड रेंज में रहना चाहिए। फ्यूल एबोव 1 लीटर रहेगा तो कार्बोरेटर की सेटिंग में दिक्कत नहीं होगी। सेवन्थ है बेल्ट और क्लच शू जो होते हैं स्कूटर के, वो विद इन सर्विस लिमिट होने चाहिए। टायर के ट्रेड से भी माइलेज में काफ़ी असर होता है, टायर की कंडीशन अच्छी होगी तो टायर में ट्रैक्शन बहुत कम होगा। एंड लास्ट यस, कार्बोरेटर क्लीन रहना चाहिए। किसी भी स्कूटर में कार्बोरेटर को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले सीट ओपन करना है, फिर इसमें 3 बोल्ट्स होते हैं, 3 बोल्ट्स ओपन करने हैं, और फिर बॉडी कवर को लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद एक्टिवा में यहाँ पर एक स्टैंड रॉड होती है जिसको अच्छे से उसकी जगह पर लगाना है ताकि बूट कवर बॉडी कवर फिक्स हो जाए। कार्बोरेटर एक्सेस करने के बाद हमें सबसे पहले एक चीज़ पे ध्यान देना है कि कार्बोरेटर सेट करने के पहले हमें कार्बोरेटर को सबसे पहले जो एयर स्क्रू है उसको पूरा टाइट करना है, पूरा टाइट करते वक्त हमें ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, और फिर उसके बाद में हमें उसको हाफ टर्न पे खोलना है। हाफ टर्न पे खोलने के बाद हमें उसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हमें गाड़ी को राइड करना है, स्टॉप एंड गो जो हमारा नॉर्मल रूटीन राइड रहती है उस हिसाब से चलाना है, और उसके बाद में हम इसको सेट करने की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैं गाड़ी को 10 से 15 मिनट चला चुका हूँ जैसे हमें रूटीन वाइज चलाता हूँ। अब हमें सबसे पहला प्रोसीजर ये करना है कि यहाँ पर जो पेयर वॉल होता है उसमें से एक ये वैक्यूम ट्यूब रहती है उसको हमें डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें वैक्यूम गेज लगाना रहता है, पर अगर आपके पास वैक्यूम गेज नहीं है तो आप सिंपल एक पेट्रोल पाइप रहता है उसमें पीछे की ओर बोल्ट लगाएंगे और उसको फेविक्विक से सील कर देंगे ताकि वहाँ से कोई एयर लीकेज ना आए, और इसको आप यहाँ पर लगा देंगे ताकि यहाँ से कोई एयर इनटेक ना हो और हमारा पेयर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्ट होने के बाद हम इसको चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसका जो थ्रॉटल स्टॉप स्क्रू है इसको हम सेट करेंगे।
जैसे जैसे मैं इसको कसूंगा इसका आरपीएम बढ़ता जाएगा, इसको मुझे ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है पर ज़्यादा कम भी नहीं रखना है, क्योंकि जब मैं हाफ टर्न के बाद इसको खोलूँगा तो इसका आरपीएम डाउन होगा। एयर स्क्रू को जब मैं हाफ टर्न के बाद खोलूँगा तो उसका आरपीएम डाउन होगा, तो इतना डाउन ना हो कि गाड़ी बंद हो जाए, क्योंकि अगर बंद हो जाएगी तो मुझे सेट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा और घुमाऊँगा, ये ठीक है। इसके बाद अब मैं जो इसका एयर स्क्रू है इसको मैं धीरे धीरे करके खोलूँगा और वहाँ तक खोलूँगा जहाँ पर मुझे हाईएस्ट आरपीएम मिलता है। इसको धीरे धीरे ओपन करना है, अगर आपने एकदम से कर दिया तो आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे आप ओपन करेंगे स्क्रू को तो उसमें जो रेस्पॉन्स है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे में ही आप उसको प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आरपीएम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है तो मैं उसको थोड़ा सा और कसने के बाद जहाँ पर वो मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर सेट करने के बाद मैं आइडियल जो स्क्रू है उसको लूज़ करूँगा। अब मैं इसमें जो अपना एयर स्क्रू है उसको थोड़ा सा हाफ टर्न से कम कस रहा हूँ और उसके बाद मैं वैक्यूम पाइप वापस लगा के एक्सेलेरेटर एक से दो बार और लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि एक्सेलेरेटर जो है कार्ब्यूरेटर से खींचने पे बढ़ रहा है और छोड़ने पे वापस हाथों हाथ ही ड्रॉप हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप गाड़ी की जो आइडियल स्पीड है उसको वापस से सेट कर लें। और वो जहाँ पर सेट हो जाए उस पॉइंट पे आपका कार्ब्यूरेटर प्रॉपरली सेट हो चुका है। ये तरीका है कार्ब्यूरेटर को प्रॉपर सेट करने का। और कार्ब्यूरेटर को प्रिसाइजली सेट करने के लिए हम टेकोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट लेस है और एक कॉन्टैक्ट टेकोमीटर्स होते हैं, इनसे कार्ब्यूरेटर और प्रिसाइज सेट होता है। पर कार्ब्यूरेटर कितना भी प्रिसाइज सेट हो जाए अगर आप सही से गाड़ी नहीं चलाते हैं तो माइलेज कभी अच्छा अचीव कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको राइडिंग टैक्स के बारे में जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर ले ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, आपको उसके बारे में जल्दी पता चल जाए। विश यू अ हैप्पी माइलेज।